लालगंज विधानसभा से आप समाजवादी पार्टी से विजय हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो अपने लालगंज की सारी जनता को हर जात बिरादरी पार्टी से हट के अपने बेटा बेचारी सरोज अपने दोस्त अपने साथी को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को देखकर लालगंज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरी अपने विधानसभा की सारी जनता को आभार व्यक्त करके और धन्यवाद देता हूँ और मैं जनता से वादा कभी करता हूँ कि मैं सेवक बन के काम करने का काम करूँगा। जो विकास की बातें हुई थी उस पर आप कहाँ तक उतरेंगे? और जो विकास की बात हुई थी आप तो जान ही रहे हैं कि सरकार बन नहीं पाई जी। सरकार बन नहीं पाई लेकिन जितना ही मुझसे हो सकेगा मैं अपने मेहनत परिश्रम से और जनता का सम्मान भी करूँगा और काम भी करूँगा। धन्यवाद। लोग से जो है क्या विधायक हुए हैं जरूर कुछ कार्य होगा, क्योंकि पिछली बार आपके सुपुत्र जी थे उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया, पर उम्मीदें अब लोगों से आपसे जगी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप लोगों? देखिए जो हमारी जनता को उम्मीदें हैं वो तो हम 100% पूरा करते हैं, लेकिन धोखा हो गया कि हमारी बहुमत नहीं हो पाई जी। लेकिन उसके बावजूद एक विधायक का फर्ज बनता है, एक सांसद का फर्ज बनता है जी। जो कर सकते हैं उतना करेंगे जो रहेगा, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, हमारी इच्छा अनुसार धन नहीं देंगे जी। वो चाहेंगे कि जनपद कमजोर हो जी, जबकि वो जितना 5 साल में तो कुछ बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में नहीं किया जी। और हमारे जनपद को जो चाहिए जी वो 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने 20 साल का काम कर दिया है जी। जो इतनी बड़ी गन्ना मिल छठियां में लगवाया उन्होंने 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री काल में, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक जो एक्सप्रेस वे बनाया है उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस, हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज माननीय मुलायम सिंह यादव ने चक्रपानपुर में बनाया है, आजमगढ़ में महिला अस्पताल दिया है, कमिश्नरी दिया है, अतरौलिया और फूलपुर में 100 सैया का अस्पताल दिया है, तो तमाम काम कर डाले। हाँ इतना जरूर था कि अब की बार इस बार अगर मान लीजिए अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए होते तो निश्चित रूप से हम लोग उनसे सिफारिश करके उनसे कह करके आजमगढ़ के लिए कुछ ऐसा उद्योग लाते जिससे हमारे 1500 लड़के नौकरी पाते रोजगार पाते। चुनाव के दरमियान सर आपने एक बयान दिया था आजमगढ़ विधानसभा 1-20 सीट जो है भाजपा पार्टी निकाल नहीं पाएगी, वो तो मैं पहले से भी कह रहा था आज भी कह रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ तक कहा था, हमें विश्वास था अपनी आजमगढ़ की जनता पर, क्योंकि हम विश्वास के नाते मैंने कहा था इस बात को कि अगर 1-20 सीट कहीं हम हारे समाजवादी पार्टी के लोग तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और आजमगढ़ की जनता पर हमें विश्वास था, जिताया जनता ने 10 सीट समाजवादी पार्टी को जिताया, इसलिए हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, और जिस लायक हम लोग हैं समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी जिस लायक है आजमगढ़ की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी, उनके हर दुख में और जितना भी हो सकता हमारी समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी जो पूरे आजमगढ़ जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। भाजपा के आज एक मंडल अध्यक्ष ने कहा कि रमाकांत जी पहले से कह रहे थे कि भाजपा की 21 से नहीं निकलेगी, ऐसा तो नहीं कि रमाकांत जी ईवीएम साथ खिलवाड़ कर दिए हैं, इस पर क्या? अरे भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है पश्चिम में, वरना आज हम कम से कम 250 सीट पे होते जी, है ना? आप जौनपुर में देखिए 5,000 के जीते हुए हमारे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अरशद खान हमारे क्षेत्र के आपके पिताजी स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी यहाँ से जो निर्वाचित थे और आप भी उन्हीं की विरासत को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए जनता को आप क्या कहना चाहेंगे विजयनगर विधानसभा? सबसे पहले यहाँ की जनता यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, इतनी दिन रात जुट सीट जिताने का काम किया, कहीं ना कहीं सरकार न बनने का मलाल तो रह ही गया होगा, बताइए अब जनता के लिए जो विकास यहाँ पे छूट गया था उसको पूरा करने का प्रयास किस प्रकार से करेंगे आप? पूरा प्रयास रहेगा जो भी हमारे किस तरह का जो विकास रुका हुआ है सरकार की जो हमारी या जो भी योजना है उसके 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 थ्रू जितना भी काम हो सकेगा पूरा प्रयास रहेगा इस क्षेत्र का विकास जो हमने वादा किया उसको करने पूरा करने का प्रयास किया। आजमगढ़ जिले में एक ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को मिली हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे आजमगढ़ में जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, कितनी भी आजमगढ़ की 200 सीट जीती थी अटल जी के सरकार बनाने में देने के लिए, लेकिन सरकार नहीं मिल पाई, इसलिए यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ईवीएम मशीन का विवाद चल रहा था जो है,
कुछ लोगों का कहना है कि एपीएम मशीन के द्वारा जो है कर करके जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ गड़बड़ी करके जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ऐसा आप समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, उसमें कितनी सरकार ने तो बहुत धांधली की जी, भाजपा सरकार ने बहुत कुछ धांधलियाँ की सरकार बनाने के लिए, हर स्तर से उतरी, प्रशासन से लेकर शासन का दुरुपयोग किया चुनाव में भाजपा सरकार। सर ये बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग टूट करके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्या ऐसी संभावना है क्या? नहीं, ऐसी कोई संभावना।